बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हेल्थ एंड टेस्ट में आपको खुशामदीद। आज आपके लिए बैंगन पकोड़ा रेसिपी जो है वो हम लेके आए हैं। बहुत ही लजीज और टेस्टी रेसिपी है, इन्जॉय कीजिए। आइए देखते हैं ये रेसिपी कैसे तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हेल्थ एंड टेस्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज आपके साथ बैंगन पकौड़ा रेसिपी शेयर होगी। इसके लिए हमारे पास आधा किलो बैंगन है, 1.5 पाव हमारे पास बेसन है, और मोटी लाल मिर्च जो है वो पिसी हुई हमारे पास 1.5 चम्मच है, नमक हसबे जायका है, और धनिया जो है उसको मोटा मोटा पिसा हुआ है वो भी हमारे पास 1.5 चाय का चम्मच है। सबसे पहले हम बैंगन जो है इनको हम बारीक गोल स्लाइस में काटेंगे। बैंगन का जो पकौड़ा है दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार और लजीज होता है। अंदर से ये बिल्कुल नरम, बहुत ज़्यादा नरम होता है, बाहर से क्रिस्पी होता है। इसको पकोड़े को गरम गरम ही खाया जाता है। आइए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके अभी हम बारीक गोल गोल स्लाइस जो है वो इस तरीके से हम काट लेंगे। हाँ जी, ये भी हमने स्लाइस जो है वो तैयार कर लिए हैं। अभी हम इसके लिए बेसन जो है वो तैयार करेंगे। बैंगन के पकौड़े निकालने के लिए अभी हम बेसन का भी जो मिक्सर वो तैयार करेंगे। इसमें हमने धनिया पाउडर डाल दिया, इसमें सुरख मिर्च भी डाल देंगे, नमक हमने हसबे जायका इसमें डाल दिया। अभी थोड़ा थोड़ा पानी लेते जाएंगे और इस मिक्सर को हम हल करते जाएंगे साथ साथ। अच्छी तरह से आपने इस मिक्सर को बनाना है ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। इसमें बेसन का मिक्सर बनाने के लिए कोशिश कीजिए कि इसकी जो गुठलियाँ इसमें बनती हैं वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और साथ इसको अच्छी तरह इसको मैश करते जाएंगे साथ साथ। इसको ज़्यादा पतला नहीं करना। बेसन का मिक्सर तैयार हो चुका है। अभी हमने जो गोल स्लाइस बनाए थे उसके बैंगन के वो इसमें डिप कर देंगे। तकरीबन हमने 15 से 20 मिनट इनको डिप करके रखना है। इसलिए डिप करना है कि सारा जो इनके अंदर थोड़ा बहुत पानी है वो सारा बेसन में आ जाए। बैंगन को हमने इसमें इसलिए डिप करना है ताकि एक तो ये जो मसाला है अपने अंदर जज़्ब कर लें और ये काले भी ना हों। अभी हम 10 मिनट तक इनको पड़े रहने देंगे, उसके बाद इनको 1 बाय 1 करके फ्राई करेंगे। इनके जो काले होने की वजह है ये भी मैं आपको बता दूँ कि जिस चीज़ सब्ज़ी में फुलाद ज़्यादा होता है, जो ही हम उसको काटते हैं तो हवा में जो मौजूद ऑक्सीजन है वो उसके साथ मिलके ऑक्सीडाइज करती है उसको, आयरन को, और उसकी वजह से वो काला नज़र आना शुरू हो जाता है। इसलिए उसको, उसके कलर को हम रखने के लिए, बरकरार के वो काला ना हो, तो हमने इसमें डिप करके रख दिए हैं। फिर हम इसको बाद में फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी हम बैंगन जो है वो फ्राई करने लगे हैं। दरमियानी आंच पर हम इनको फ्राई करेंगे। ताकि ये अंदर से गल भी जाएँ और बाहर से अच्छी तरह फ्राई और क्रंची भी होते जाएँ। बैंगन फ्राई हो चुके हैं, ब्राउन हो चुके हैं अभी ये।
पकौड़े आप फ्राई करें या चिप्स फ्राई करें, उनके लिए आँच हमेशा दरमियाने, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा तेज़। कम होगी तो कच्चा रह जाएगा, अगर ज़्यादा होगी तो बेसन जल जाएगा अंदर से, जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे आलू यूज़ कर रहे हैं, चिकन यूज़ कर रहे हैं, वो अंदर से कच्चा रह जाएगा, बाहर से जल जाएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बैंगन पकौड़ा जो हमारा तैयार हो चुका है, इमली आलू बुखारे की चटनी के साथ इसको सर्व कीजिए। इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। खुश रहिए, खुश रखिए। अस्सलामु अलैकुम।